चलिए तो खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कोयलांचल धनबाद की। कोयलांचल धनबाद में अपराधियों का एक बार फिर से बेखौफ रूप देखने को मिला है। बीते दिन बिल्डर की गोली मारकर हत्या कर दी है अपराधियों ने, और एक बार फिर से कोयलांचल में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि उस पर वो चीज़ें जो है वो एक हत्या जैसी घटनाओं के रूप में तब्दील हो रही हैं। इस घटना के बाद क्या कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, तमाम अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए हैं धनबाद से, उनका रुख करते हैं, पूरी जानकारी लेंगे। राजकुमार, बिल्डर के साथ हत्या की घटना हुई बीते दिन, और एक बार फिर से पूरे कोयलांचल में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लगे कि आखिर कोयलांचल में कारोबारियों को सुरक्षा कब मिलेगी और कब तक वो अपराधियों के जो नाकामयाब जो मंसूबे हैं उसके शिकार होते रहेंगे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने निकल करके आ रहा है इस पूरे मामले में? देखिए नवीन, जिस तरह से आज से मैं चार दिन पहले सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी और तमाम जो डीएसपी हैं और सभी जिले के जितने भी 44-56 थाने के थानेदार हैं, सबको सीनियर एसपी हरदीप चिनार ने एक एक किस तरह से धनबाद के शहरी क्षेत्र में खास करके वहां पर जहां पर की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो खबरी जो होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं व्यवसायी है, वह लंबे समय से पुलिस की अभिरक्षा में था, यानी कि पुलिस ने उसे प्रोटेक्शन दे रखा था, लेकिन जब जब उसके साथ रंगदारी की घटना हुई थी तो पुलिस ने। चलिए तो राजकुमार, आपकी आवाज प्रॉपर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। धनबाद में लगातार अपराधियों का बेखौफ रूप देखने को मिल रहा है, और अपराधियों की जो साजिश है, जिस तरीके से वो अपने ध्येय में कामयाब होते चले जा रहे हैं और अपराधियों को वो निशाना लगातार बना कारोबारियों को निशाना बनाते जा रहे हैं, ये एक चिंता की बात है। कारोबारियों की सुरक्षा को अगर आप देखें, व्यापारियों की सुरक्षा को अगर ध्यान में रखते हुए आप तमाम इन चीज़ों को देखें तो एक बेहद ये चिंता वाली बात है। और कोयलांचल धनबाद में हमेशा से जो कारोबारियों का संगठन है, व्यापारियों का संगठन है, वो अपनी सुरक्षा को लेकर, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, उनको एक भयमुक्त वातावरण में अपना व्यापार करने दिया जाए, कारोबार करने दिया जाए, इसको लेकर उन्होंने मांगे उठाई हैं, आवाज़ें अपनी कई बार बुलंद की है। बावजूद इस तरीके की घटनाएं होना और अपराधियों के निशाने पर कारोबारियों का आना एक बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। तो बीते दिन धनबाद में बिल्डर की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी है, और इसके बाद, इस घटना के बाद जो है एक बार फिर से कोयलांचल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक जो है वो कारोबारी अपराधियों के साजिश की भेंट चढ़ते रहेंगे, अपराधियों के निशाने पर आते रहेंगे। और ये जो घटना है, कहीं ना कहीं एक बार फिर से धनबाद में पुलिस प्रशासन की नींद इस घटना ने उड़ा दी है, और एक बार फिर से कोयलांचल में लॉ एंड ऑर्डर जैसी समस्याओं पर जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं।
तो एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़ गए हैं। जी राजकुमार, आप तमाम चीजों की जानकारी दे रहे थे, इस पूरे मामले में वरीय अधिकारियों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? राजकुमार, देखिए जिस तरह से कल की जो घटना हुई थी और पुलिस के जो तमाम वरीय पदाधिकारी हैं वो इस जांच में जुट गए हैं और घटनास्थल पर जो है सिटी एसपी ने भी मुआयना किया बहुत देर में जाकर, कुछ देर के बाद जाकर के, लेकिन उन्होंने जो अभी तक जो साक्ष्य निकाले हैं उसमें तीन बाइक सवार जो है वो भागते हुए दिख रहे हैं घटना को अंजाम देने के बारे में, और जो बीच वाला जो बाइक सवार है उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था जिसकी वजह से उसका चेहरा अस्पष्ट नजर आ रहा था। तो संभव है कि पुलिस पूरे मामले की तहकीकात करते हुए उन अपराधियों तक बहुत जल्द पहुंच जाए जो लोग इस घटना को अंजाम देने में शामिल है। इसके अलावा जो लोग इस घटना के पीछे शामिल है, जिस तरह से प्रिंस खान का एक मेजर जो छद्मनाम है जिसके नाम से एक ऑडियो भी बाद में वायरल हुआ था और कहा गया कि जिस तरह से उसकी हत्या हुई है शहाबुद्दीन की, उसी तरह से अन्य व्यवसायियों को भी कल धमकी दी गई है और बोला गया है कि अगर उन्होंने छोटे सरकार तक रंगदारी नहीं पहुंचाया तो फिर से उन्हें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तो किसी भी तरह की घटना होती है उसका जो जिम्मेवारी है वो प्रिंस खान का जो गिरोह है वह ले लेता है, चाहे वह उसमें शामिल हो अथवा नहीं हो। फिलहाल यह जांच का विषय है कि इसमें उस गिरोह की का जो हाथ है वो था या नहीं था, लेकिन इतना जरूर है कि इससे दहशत बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन धनबाद के व्यवसायी को धनबाद पुलिस पर भरोसा रखना होगा, जिस तरह से व्यवसायियों ने आगे भी उसके जो उसका जो नेक्सस है उसको कमजोर करने में पुलिस की सहायता की, उसको जो फंडिंग दिया जा रहा था मजबूरी में, जो लेवी दी जा रही थी, जो एक्सट्रोशन मनी दी जा रही थी उसको यहाँ के व्यवसायियों ने रोकने का काम किया है। तो अगर यह लगातार जारी रहेगी तो जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग हैं उनका जो कुनबा है वो कमजोर पड़ेगा, उनका जो नेक्सस है वो ध्वस्त हो जाएगा और पैसे नहीं मिलने पर जो भी लड़के उनके लिए काम कर रहे हैं वो जरूर इस काम से तौबा करेंगे और साथ ही पुलिस भी कहीं ना कहीं उन तक पहुंचने में जल्दी पहुंचने में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि जब भी इन लोगों का भी अगर कुनबा फूटता है तो कोई ना कोई पुलिस का मुखबिर बन के पुलिस को सहायता जरूर करता है। तो इस मामले में इतना जरूर है कि व्यवसायियों में फिलहाल तो डर का जो माहौल है वो कायम करने की कोशिश की गई है, लेकिन धनबाद के व्यवसायी इस मामले में किस तरह से आगे बढ़ते हैं, पुलिस को किस तरह से सहयोग करते हैं और जिन लोगों को दोबारा धमकी मिली है वो लोग किस तरह से पुलिस को इनपुट देते हैं यह भी बहुत मायने रखेगा। लेकिन इस घटना की अगर हम बात कर लें तो जिस तरह से बिल्डर की को गोली मारी गई, इसका एक स्कूल भी चलता था और यहाँ पर आपको बता दें कि परिवार के लोग और जो चश्मदीद वहां मौजूद थे उन्होंने बताया कि ये लोग झरिया से थोड़ी देर पहले वापस लौटे थे, दुकान में कुछ सामान जो है गाड़ी में रखी हुई थी उस सामान को लेने के लिए जब वो वापस आए तब ही घात लगाए अपराधियों ने उन पर फायरिंग की है और फायरिंग के बाद वो वासेपुर की तरफ भागे हैं और जो व्यवसायी है वो चिल्लाए कि बचाओ बचाओ जब, और तुरंत उन्हें बगल में ही एसआरपी अस्पताल था जहां उन्हें ले जाया गया, लेकिन तब तक ब्लड बहुत अधिक बह चुकी थी और उन्हें नहीं बचाया जा सका। तो कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल थोड़ा सा जरूर बढ़ा है इस घटना के बाद से, लेकिन पुलिस कितना जल्दी इस मामले में अनुसंधान करके अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल होती है, फिलहाल दो लोगों से पूछताछ चल रही है, उससे जो भी जानकारी प्राप्त होगी आगे जो पुलिस है वह कार्रवाई करेगी और रात भर पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले में कार्रवाई करती रही है। तो इस मामले में आने वाले वक्त में एक अच्छी कार्रवाई देखने को मिलेगी और धनबाद पुलिस की जो साख है वो फिर से मजबूत होगी, इस बात को हमें जरूर स्वीकार करना चाहिए और थोड़ा इंतजार व्यवसायियों को और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा ताकि आने वाले जो समय में पुलिस को इसमें सहयोग मिल सके। जी चलिए, तो फिलहाल व्यवसायियों में आक्रोश है, हालांकि व्यवसायी पुलिस को जांच में भी सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और जैसा कि आपने बताया राजकुमार कि धनबाद पुलिस की जो साख है उस साख को कायम रखते हुए कितना त्वरित कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाती है इस पर नजरें बनी रहेंगी, आप भी नजर बनाए रखिएगा। राजकुमार फिलहाल बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।